फिक्टिशियस नंबर है उनको निकालना हमारा काम रहेगा। उसका अगर कमर्शियल नहीं है या फिर उनका थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर गलत तरीके से वो प्रयोग में आ रही हैं, उनके लिए भी मेरी हदायतें हैं कि दे विल बी बुक, दे विल बी सीज, दोज व्हीकल्स विल बी सीज। हम के लिए हम लोग यहाँ पे हैं एंड वी हैव कम फॉर द अवाम ओनली। मेरा एक मोटिव और मेरा मिशन रहेगा फॉर दिस ईयर दैट टू कटेल द इंटेंसिटी ऑफ द फैटलिटीज एज वेल एज एक्सीडेंट्स, क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं जिसमें फैटलिटीज होती हैं, काफ़ी डेथ रहती हैं। वो एक बहुत ही दुखदाई एक सीन रहता है, क्योंकि कई फैमिलियाँ जो हैं उनमें नुकसान होता है, उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं कई बार वो निकल जाते हैं, एक एक दो दो मेंबर भी निकल जाते हैं। तो उस सिलसिले में मेरा एक विजन और मिशन भी यही रहेगा टू कटेल द फैटलिटीज, टू कटेल द टू मिनिमाइज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स इन द रूरल एरियाज। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी जितने भी हमारे कम्यूटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कि आप लोग अपने गाड़ियां जो हैं ओवरलोड में ना चलाएं और अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखें, जितने भी वैलिड आपके डॉक्यूमेंटेशन है और रूल्स जो हैं वो फॉलो करें। कम्यूटर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, ट्रैफिक के कानून फॉलो करें, ताकि हमारे जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट्स है वो उसको मिनिमाइज करें। हमारा मिशन और विजन भी यही रहेगा कि हम लोग ने एक्सीडेंट जो हैं वो कटेल करने हैं, ख़त्म करने हैं, और ओवर स्पीड को भी कटेल करना है, रैश एंड ड्राइविंग को भी कटेल करना है, सो दैट ये जो सबब बनते हैं और बड़ी गाड़ियां जो भी हमारी आरटीसी की गाड़ियां हैं या फिर केएमडी की गाड़ियां हैं, चाहे टिपर्स हैं हमारे पास, डंपर्स हैं, उनके ड्राइवर हजरात या फिर उनके जो भी ओनर्स हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक एडवाइस भी रहेगी कि आप अपना जो है डिसिप्लिन में चलें, डॉक्यूमेंटेशन रखें, ओवर स्पीड को, नेग्लिजेंट ड्राइविंग को कटेल करें, ख़त्म करें। और एक और बात जो हमारे इधर भी देखिए सर, चारों ओर देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक तो वेंडर्स हॉकर्स और जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे होते हैं फुटपाथ हमारे, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने अपने और थ्रू म्यूनसिपल अदारे के म्यूनसिपल अदारा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और हमारे बाकी जो भी अदारे हैं यहाँ पे वी विल कोऑर्डिनेट, वी विल कोऑपरेट सो दैट दे शुड बी गिवन अ विजन एंड विजन, ताकि उनके लिए अलग ही जगह रखे और डी कंजेस्ट हो गए हमारे जितने भी टाउनशिप हैं यहाँ पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिवीजन लेवल या फिर हमारे और भी कई छोटे मोटे जितने भी टाउन हैं जहाँ पे भी डी कंजेशन उनकी वजह से होती है, और उसकी सबब यही बनता है कि ट्रैफिक जाम होता है और लोग अपने घरों में टाइम पर नहीं पहुँचते। इस सिलसिले में हमने गाइड किया हुआ है और डायरेक्शन भी दे रखी है, डिजी लॉकर वो चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली उसको हम लोगों ने तस्वर करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। नो हेलमेट, ये अभी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में तो अभी डीसी साहिबा ने कर रखा है, और वी आर फीलिंग दैट मुझे लग रहा है कि कम से कम कुछ 60% लोग अभी इस वक्त हेलमेट पहन रहे हैं, एंड इट्स अ गुड साइन फॉर अस आल्सो। और ये एनी ड्राइव के थ्रू जो भी अपरेंट हम लोग लगता है कि जैसे सीट बेल्ट विदाउट, सीट बेल्ट विदाउट हेलमेट जो लोग चलते हैं उनके लिए भी हम लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे, और अकॉर्डिंगली दे विल बी पेनलाइज, दे हैव टू बी गेट द चालान। थैंक यू सर। ये है जी ओवरटेक में ही होता है, जो ओवरटेक करेगा डेंजर जोन में आएगा तो उसका तो नतीजा यही है। ये बदकिस्मती है हमारे लिए कि कानून का पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है यहाँ, तो यही इन्फोर्समेंट वर्क भी कर रहे हैं जावेद साहब, आप खुद भी जानते हो हम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, सुलझाने की, लेकिन अपने आप को भी समझना है, बहुत कमती होता है। ड्राइवर का जान हो, किसी और का जान हो, राहगीर का जान हो, जान जान ही होता है, एक बार चला गया बस बात खत्म, फिर वापस